इस वीडियो में आपको बताएंगे एलजेब्रा के ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक, जिस ट्रिक की मदद से आप एलजेब्रा के स्टेप क्वेश्चंस का आंसर आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही सेकंड में। और अगर ऑप्शन दे रहेगा तो डायरेक्ट आप ऑप्शन मार्क कर सकते हैं किस तरह से। सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दिल, और आप देख रहे स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल, जिसमें हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स लेके मैं आता रहता हूं। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, तो चलिए एट फर्स्ट पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ट्रिक क्या है देख लेते हैं, ट्रिक का एट फर्स्ट बेसिक देख लेते हैं। बेसिक है, अगर मान लीजिए दिया हुआ है क्वेश्चन में a अपॉन b इक्वल टू k, देन पूछा है कि a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कितना होगा। देखिए a अपॉन b इक्वल टू k, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं जो कि a अपॉन b इक्वल टू k अपॉन 1, जो कि मैथ के रूल के हिसाब से जो कि a इक्वल टू के बी इक्वल टू 1 पुट नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आंसर के लिए जो कि a इक्वल टू के, जो कि यहाँ पर k स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर a इक्वल टू के एंड b इक्वल टू 1 पुट कर सकते सिर्फ और सिर्फ आंसर के लिए, तो सिंपली यहाँ पर होगा जो कि k स्क्वायर। तो सिंपली देखिए यही आपका ट्रिक है, अगर a अपॉन b इक्वल टू के है देन a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर होगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर के आगे जो कि मान लीजिए जोड़ दीजिए जैसे कि 5a² 5b², तो 5 कैंसिल होगा तो आंसर आपका सेम ही रहेगा। इसी तरह से चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d इक्वल टू k, देन जो कि पूछा है कि मान लीजिए 5a² प्लस 6c² अपॉन जो कि 5b² प्लस 6d², इसका मान क्या होगा। तो देखिए a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d इक्वल टू k, तो a अपॉन b इक्वल टू k अपॉन 1 पुट कर सकते हैं, या फिर c अपॉन d इक्वल टू k अपॉन 1 पुट कर सकते हैं। और यहां पर अगर पुट करेंगे तो सिंपली सभी जो कि कैंसिल होगा, आपका आंसर होगा के स्क्वायर। किस तरह से है देखिए, यहां पर 5 सेम है, 5 सेम है, 6 सेम है, एंड ए स्क्वायर जो कि ए अपॉन बी जो कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एंड सी अपॉन डी जो कि सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, इस कंडीशन में जो दिया रहेगा के, इसी का स्क्वायर कर लीजिए के स्क्वायर। इसी तरह से मान लीजिए a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d इक्वल टू 5, देन देखिए 3 एंड a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 5 a c स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, तो सिंपली जो कि 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 5 का स्क्वायर जो कि 25 आपका आंसर। तो चलिए इसी ट्रिक के ऊपर जो कि सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, तो और एक बार ट्रिक को देख लीजिए। मान लीजिए दिया हुआ है a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d इक्वल टू e अपॉन a इक्वल टू k, देन m a स्क्वायर प्लस n c स्क्वायर प्लस p e स्क्वायर अपॉन m b स्क्वायर प्लस n जो कि d स्क्वायर प्लस p एफ स्क्वायर इक्वल टू होगा के स्क्वायर। देखिए m m इक्वल होना चाहिए जो कि 2 इक्वल है, n n 3 p p जो कि 4, और यहाँ पर जो कि a स्क्वायर c स्क्वायर e स्क्वायर एंड b d f इन सब का स्क्वायर जो कि के स्क्वायर कर लीजिए जो कि इक्वल टू के, तो के स्क्वायर कर लीजिए जो कि यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए जो कि 9 आपका आंसर। तो उम्मीद है कि इस टाइप 4 सीरीज का अगर होगा तब भी आप आंसर निकाल सकते हैं इस टाइप क्वेश्चंस का। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी इसी तरह का और भी ट्रिक्स जानने के लिए।